जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंबई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए ज्यारत आइए जानते हैं बबलू भाई से कि आज का ये दिन उनके लिए कैसा रहा और कैसे उनके बच्चों ने मेहनत की है इस दिन। अस्सलामुअलैकुम बबलू भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी आपने जो ज़्यादातर तबूकत रखी है माशाल्लाह सक्सेस हुआ है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, तो आप क्या फील करते हो लोगों को ज़्यादा करवाने के बाद, और आपके बच्चों ने किस तरीके से कड़ी मेहनत करके ये चीज़ों को इस तरीके से सजाया? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबको पूरी उम्मत को बहुत बहुत मुबारक हो। और सैयद रियाज़ हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के अब्दाल, इनकी दुआओं से अल्लाह तबारकुल्लाह ने रियाज़ुद्दीन कादरी और उनकी फैमिली को जो नवाजा है तबरुकात, उनका नाम सैयद रियाज़ हुसैन साहब है, उनके शहजादे सैयद ज़ैनुल आबदीन पिराना शरीफ के सजादा नशीन तशरीफ़ हैं, मौजूद हैं यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोगों को ज्यारत करा के मेरी मेराज है। और हर साल की तरह लोग बढ़ते चले जा रहे हैं ज्यारत करने में, और फैज़ो बरकात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पंजतन पाक का, अहले बैत अतहार का, बारह इमाम का फैज़ो बरकात हासिल कर रहे हैं। मैं इसमें से कुछ लोगों को जानता हूँ, बाकी सब इश्के रसूल में तशरीफ़ लाते हैं। पिछले दो साल कोविड की गाइडलाइंस की वजह से पूरे तरीके से ये आपने खुल करके लोगों को नहीं दावत दे पाए थे, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं कोविड की गाइडलाइंस का फॉलो अप करते हुए आपने जो ये यहाँ पर ज़ियारत रखवाई है, तो उसके लिए उमरा कौसा वासी आपके बेहद शुक्रगुजार है। तो इस सिलसिले में उमरा कौसा की आवाम से आप क्या कहना चाहूँगा? पूरी ज़ायरीन जो तशरीफ लाए आशिक रसूल, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास करके प्रशासन का मैं शुक्रगुजार हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की महफिल सजाने की, और उनका साथ है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। दो दोस्तों ये थे बन्नू भाई और उनकी फैमिली है, आप देख सकते हैं मेरे साथ में मौजूद अली कादरी, हैदर अली कादरी, शाहबुद्दीन फरहान कादरी। माशाल्लाह यहाँ पर हमने आकर के बहुत फैज़ हासिल किया, बहुत सी चीज़ों की ज़्यारत भी की है। मैं मुमरा कौसा की आवाम से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, कल सुबह 7 बजे तक का वक्त है, आप लोग भी आए यहाँ पर फैज़ बरकत हासिल करें, इन चीज़ों की ज़्यारत करें।
आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले और हमसे जुड़े।